हर हर महादेव मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? और सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और बेटी मेरी जा चुकी है स्कूल। ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। और मेरे माइंड में एक चीज़ चल रही है अभी कि आज डॉन को नहलाना है, क्योंकि आज आई है थोड़ी थोड़ी धूप और उसका नहाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हो गए हैं उसको काफ़ी दिन। और वो नहाने के लिए ना इतना बेचैन हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। चलो मैं इसको जल्दी जल्दी नहलाती हूँ। और इसको मैं डॉग ना कहते हुए, एक इसका बहुत प्यारा नाम है डॉन, आप लोग बताना इसका नाम कैसा लगा। हमने इसका नाम डॉन इसीलिए रखा ना, ये बिल्कुल डॉन जैसा था। ये इतना शैतान था ना, ये इतना शैतान है, किसी से नहीं डरता था, मगर अब उतना ही लेजी हो गया है। और नहाने के लिए बिल्कुल ऐसा, मैं इसको बांध के भी नहीं नहलाती हूँ, ये ऐसे ही नहाने के लिए मतलब खुश रहता है। देखो टैंकी के नीचे बैठ जाएगा आके, और फिर मैं इसको शैम्पू लगाती हूँ बढ़िया सा। अभी क्या हुआ ना, मग इस है जो खो गया है, और उसको ढूंढने जाऊँगी तो ये इधर उधर मेरे पीछे आ जाएगा, मिट्टी लग जाएगी। चलो मैं तब तक इसको शैम्पू करती हूँ। और देखो कितना मस्त हो के नहा रहा है ये जानवर जो होते हैं, जानवर नहीं, ये जो मेरा डॉन है ना, मतलब जो ये एनिमल होते हैं ना, ये इतने प्यारे होते हैं। इनको सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ नहीं। आप इनके लिए थोड़ा सा करेंगे ना, ये हमको उसका 10 गुना देते हैं, जो कि शायद आजकल इंसान में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं ना ची ये वो हाइजीन, ये है साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, मगर जो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। शायद मैं पहले इतना नहीं करती थी, पर जब से मेरी लाइफ में डॉन आया है ना, मैं इससे बहुत प्यार करने लगी हूँ, बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दूसरा बच्चा यही है सच में। और इसको नहला रही हूँ, ये देखो कितनी मस्ती कर रहा है ना नहाने के लिए। आज ये बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आज धूप भी आई है, और ये नहाने में बहुत मस्ती करता है, इधर उधर भी नहीं भागता है, बिल्कुल आराम से नहाता है। जो और डॉग्स मैंने देखे हैं इधर भागते हैं उधर भागते हैं ना, ये और आज ना ये थोड़ा सा मुझसे गुस्सा है, क्योंकि ये पता है आजकल पता नहीं खा नहीं रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा है, और अंडा ही मांगता है। और इतना हम अंडा इसको दे नहीं सकते, काफ़ी गर्म होता है। देती हूँ मैं रोज़ का एक देती हूँ, ज़्यादा भी नहीं दे सकते। और क्या कहते हैं, थोड़ा ये मुझसे गुस्सा है, क्योंकि मुझे समझ में आ जाती है इसकी एक एक भाषा, मैं समझ लेती हूँ कि ये मुझसे क्या कह रहा है, और ये भी समझ जाता है मुझे कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ, इससे गुस्सा कब होता है, खुश कब होता है, मैं सब समझती हूँ। और इसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मैं सब जानती हूँ, और ये भी मुझे जानता है बहुत अच्छे से। खाली बोलते हैं जानवर जानवर, मैं तो कहूँगी इंसानों से लाख करोड़ गुना अच्छे ये जानवर होते हैं, क्योंकि अब मैं समझ रही हूँ ना, जब से मैंने इसको पाला है ना बचपन से, तो मुझे इतना ज़्यादा प्यार हो चुका है इससे, और इसको मैं इतने अच्छे से समझ चुकी हूँ, तो ये भी मुझे बहुत अच्छे से समझ गया है। मैंने तो वैसे सुबह नहा लिया था, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कपड़े वपड़े चेंज कर लूँगी, इसको भी नहलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। डॉग्स को पता महीने में 2 बार या 1 बार ही नहलाना चाहिए, इससे इनकी स्किन और बाल कम झड़ते हैं। और अगर हमेशा नहलाते हैं ना, इनको पानी में भी नहीं रखते हैं, गीले में नहीं रखते हैं ज़्यादा, हमेशा ड्राई होना चाहिए डॉग आपका, क्योंकि इससे फंगस वगैरह कीड़े वीड़े हो जाते हैं, जिससे हमारा डॉग बीमार भी पड़ सकता है। और आजकल बरसात का भी सीजन है, तो इन सब चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना होगा। इसने ना ये अपना टावल काट काट के इतना छोटा बना दिया, क्योंकि पहले भी इसका टावल था, अब इतना मेरे इसको ध्यान नहीं दिया जाता है ना, तो ये ऐसे ही कर देता है, कोई भी कपड़ा मिलता है उसको काट काट के ऐसा कर देता है। अभी ये सिर्फ 7 महीने का है, नटखट सा, मैं इसको दुल्हन बना देती हूँ। और ये प्यारा गोलू मोलू जैसा बच्चा मेरा, देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं तब तक इसके लेना, मैं वो लेने गई थी कंगी, मुझे लगा मैं जल्दी जल्दी लेके आती हूँ, मगर ये भी मेरे पीछे पीछे आ गया, और ये रुकता भी नहीं है। ये देखो इसका काम ही यही है, और ये मेरे पीछे पीछे फिर अंदर आ गया। मैंने कहा चलो यार तेरे को मैं अंदर ही ले जाती हूँ, जल्दी जल्दी हवा में सुखाती हूँ, जल्दी से मैं अपने डॉन को हीरो बना लेती हूँ। मुझे लगा ये उठेगा तो मैं इसको अच्छे से कंगी करूँगी, मगर ये आलसी राम, देखो इसको। पाउडर भी है, वो अभी नहीं लगाऊंगी, जब तक ये पूरा अच्छे से नहीं सूख जाता है ना, तब तक इसको पाउडर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी काफ़ी गीला है ये अंदर से, हम मुझे लग रहा है थोड़ा सूख गया है। जल्दी जल्दी कंघी करती हूँ, जितनी जल्दी कंघी करूंगी इसके उतनी जल्दी बाल सूखेंगे, बालों को सूखना और स्किन सूखना, जब तक इसके अच्छे से ड्राई नहीं हो जाती है। मैं इसकी कंघी लेने के आ गई, ये देखो ये क्या करता है यहाँ पर, मैं अभी पाउडर तो नहीं डालूंगी,
और थोड़ी देर में इसका जब पूरे 2-3 घंटे में ये अच्छे से सूख जाएगा ना, फिर इसको चमका धमका के पाउडर लगाऊंगी और तब बन जाएगा हमारा डॉन हीरो। और ये देखो इसकी शैतानियाँ तो कभी कम नहीं होती, देखते रहता है इधर उधर कि मैं क्या शैतानी करूँ क्या शैतानी करूँ। अपना टावल उसने फाड़ दिया, अब देखो चमक रहा है ना हमारा डॉन, ये देखिए। और देखो कितने प्यार से कितने सुकून से बैठा नहा के, इसको बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे प्यार भी कर रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आपको कैसा लगा मेरे डॉन को नहलाने वाला ब्लॉग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, और आपको मेरा डॉन कैसा लगा और मैं कैसी लगी, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू।